मानी रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो आप लोगों की रेसिपी बना रही हूँ वो हम बना रहे हैं कैरेमल पुडिंग। कैरेमल एग पुडिंग बना रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए। और कैरेमल एग पुडिंग बनाने में ये बहुत मज़ेदार होगी और बहुत जल्दी से बनने वाली हमारी स्वीट डिश है। और इसमें ज़्यादा कोई चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत कम चीज़ों में ये हमारी पुडिंग रेडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। आप सोचेंगे ये हर चीज़ को कहती हैं कि बहुत अच्छी और मज़ेदार है, लेकिन आप वाकई ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत कम चीज़ों में बहुत ही मज़ेदार कैरेमल एग पुडिंग रेडी हो गई है। तो चलिए व्यूवर्स, कैरेमल एग पुडिंग के जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम चीज़ों को नोट कर लेते हैं। मैंने यहाँ चार एग लिए हैं, एक मग मैंने लिया है मिल्क, चीनी वन बॉल हाफ बॉल लिया है, ठीक है। और मैंने कैरेमल बनाने के लिए भी हाफ बॉल शुगर लिए, एक दो खतरे मुझे हमें चाहिए होगा वनीला एसेंस के। ये तमाम चीज़ें हमारे ज़रूरत पड़ेंगी हमें कैरेमल एग पुडिंग बनाने के लिए। चलिए अब हम अपनी सबसे पहले कैरेमल बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पतीली ले ली, इसमें हमने शुगर डाल दिया अपनी, हल्की हल्की आग पे हमें ये कैरेमल रेडी करना है। ये ऐसे ऐसे चीनी पिघलने के लिए, जब पिघलना शुरू हो जाएगी तो एकदम से सारी चीनी पिघल जाएगी। आप तमाम मेरी वीडियो देखा करें तो कमेंट्स कर लिया करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है या जो चीज़ आप देखना चाहते हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में भी ज़रूर मुझे इन्फॉर्म किया कीजिए, बताया कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। हमें आपके कमेंट्स का, लाइक का इंतज़ार रहता है। चलिए व्यूवर्स, देखिए चीनी हमारी अब आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो रही है। देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह हमारा कैरेमल बिल्कुल रेडी हो गया। और मुझे इसी बर्तन में बनाना है, इसीलिए मैं अच्छी तरीके से इसमें साइडों पे से फैला रही हूँ। और फैला करके मैं इसे एक जगह सेट होने के रख दूँगी। ठीक है, चल हमने इसे सेट होने के रख दिया है। अब हम अपनी आगे की रेसिपी कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, मैंने एक पतीली ले ली है, इसे पानी डाल दिया और स्टैंड रख दिया है। और हम इसको ढक देते हैं, जब तक पानी में बॉयल आएगा तो हम अपनी बाकी की रेसिपी जब तक उसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, हमने एक बॉल ले लिया है और हम अपना सारा दूध इसमें डाल रहे हैं। चीनी शामिल कर रहे हैं और चीनी को हमें अच्छी तरीके से मिलानी है। चीनी मिला लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, हम बारी बारी करके अपने तमाम एग इसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए व्यूवर्स, देखिए हमने सारे अंडे अपने बारी बारी करके शामिल कर लिए हैं और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर वनीला एसेंस डालने से हमें वन ड्रॉप बस, बहुत नहीं डालेंगे। चलिए व्यूवर्स, हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है वनीला एसेंस, चीनी और एग को और मिल्क को, ये अच्छी तरह फिट गया। अब हम अपने जिसमें हमें बनाना है पुडिंग हम उसमें डालते हैं। देखिए कि मैंने छन्नी ले लिया है, मैं इसके में ही डालती जाऊंगी ताकि छनता भी जाए साथ साथ। चलिए व्यूवर्स, मैंने सारा अपना इसके अंदर डाल दिया है।
अब मैं इसको हम इसको अपने चूल्हे पे रखते हैं। देखिए व्यूवर्स, हमारा पानी बॉयल हो गया अच्छी तरीके से, जिसमें हमें बनाना है। अब मैं आपको इसको इसमें रख रही हूँ, आराम से रखिएगा आप। इसे मैंने ढक दिया है। अब हम इसको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक हमें इसे इसी में पकाना है। चलो अब हम 35 से 40 मिनट के बाद फिर इसको देखते हैं। मैंने इसे 35 से 40 मिनट बना लिया है, अब हम इसे बाहर निकालते हैं। चलिए व्यूअर्स, देखिए साइडों से भी देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। साइडें देखिए इसकी, साइड में छोड़ दिया है इसे ना, बिल्कुल ही अच्छी तरीके से हमारा बन गया है ये देखिए। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए रखते हैं फ्रिज में, उसके बाद हम इसकी फाइनल लुक देखेंगे। 1 घंटा गुजर चुका है, हमारी पुडिंग रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे निकालते हैं। पहले हमें साइडों से इसको अलग करना है। चलो अब जिसमें बनाना है निकालना है, मैंने प्लेट लिए और इसे पूरा उल्टा करना है। देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन पुडिंग हमारी रेडी हो गई है, ज़बरदस्त। ये देखें कितनी बेहतरीन हमारी पुडिंग रेडी हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप सबको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।